अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हबीबुर रहमान। बिग 1 kW सोलर पैनल सिस्टम फॉर होम। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर ऐसा सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं जिससे आपका एक फ्रिज चल रहा है, 4 से 5 पंखे चल जाए, 4 से 5 लाइट्स चल जाए, फिर आपकी वॉशिंग मशीन चल जाए, आपकी पानी की मोटर चल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसमें मोबाइल फोन और नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं उनके बारे में आपको वीडियोज फॉरन मिल जाए। जैसे ही नई चीज आती है आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साइंस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें सोलर पैनल जो है ना वो 550 वाट के, आपको 2 सोलर पैनल मिलेंगे 550 वाट के। 1 kW के जो सिस्टम है, किसी से भी आप लेते हैं, आप लाहौर से लेते हैं, आप कराची से लेते हैं, आप मुल्तान से लेते हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, या जहां से भी आप परचेज करते हैं, तो आपको 2 अदद सोलर पैनल मिलेंगे 550 वाट के। ठीक है, वो आपने कोशिश करनी है कि Tier 1 कैटेगरीज के लेने हैं। Tier 1 कैटेगरीज यानी ए ग्रेड के सोलर पैनल होने चाहिए और जिसकी वारंटी 25 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, आप टॉप के कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। जैसे आपको पता है टॉप के ब्रांड कौन से चल रहे हैं, कैनेडियन सोलर चल रहा है, टेस्ला सोलर चल रहा है, सोलर एज चल रहा है, जिंको चल रहा है, कैनेडियन सोलर, इस तरह करके 10-12 डिफरेंट कंपनीज हैं। इसके मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि टॉप की कंपनीज कौन सी हैं, टॉप के ब्रांड्स कौन से हैं जो यूरोप में, अमेरिका में और पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफी पॉपुलर कुछ ब्रांड्स हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, अगर आपने अपनी घर की छत पे लगवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं कि कितनी प्लेट्स आपको चाहिए, कौन सा इन्वर्टर आपको कहां से सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप पता कर सकते हैं। अब जो सोलर का इन्वर्टर है ना, वो इस वक्त 10 से 15 डिफरेंट कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं चाइना के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी वो भेज रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टर्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं बहुत सस्ते रेट्स के ऊपर, इधर आके बहुत महंगे रेट्स से भेजते हैं। 5 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी मिलती है सोलर के इन्वर्टर्स की, और ये सोलर पैनल हैं उनकी एफिशिएंसी वारंटी 25 से 30 साल होती है, लेकिन आमतौर पर वो जो लिख के देते हैं वो 10 से 12 साल की वारंटी लिख के देते हैं। ये हो गया। तीसरी जो चीज आपने लेनी है, दैट इज L2 स्टैंड। L2 का मतलब होता है ऐसा स्टैंड जिसके ऊपर 2 अदर सोलर पैनल लग सके। L2 का आपने 14 गेज का हैवी वेट वाला यानी वजनी सोलर स्टैंड लेना, या स्टेनलेस स्टील का ले लें, या एल्यूमिनियम का ले लें, या फिर लोहे का ले लें, गैल्वेनाइज, जिसके ऊपर जंग ना लगे। ऐसा होना चाहिए जिसमें जंग बिल्कुल ना लगे, और उसके साथ जो नट बोल्ट है वो स्टेनलेस स्टील के, स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट हो, और जहां पे वो फिट होना है उसको अच्छे तरीके से आपने फिट करना है, और प्लस उसके ऊपर कंक्रीट की कवरिंग करनी है, कंक्रीट के साथ उसे कवर करना है किसी मिस्त्री के थ्रू, यानी कि एक तरह चारों तरफ ईंटे लगा के उसके पांव पे, या फिर कंक्रीट आपने लगानी है ताकि वो उखड़ के छत से उखड़ ना जाए और कहीं और ना गिर जाए, क्योंकि अगर उसका शीशा टूट जाता है तो वो फिर वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर सोलर पैनल जल जाता है या उसका शीशा टूट जाता है तो वारंटी खत्म होने का चांस होता है। ठीक है जी, अगली जो चीज आपने लेनी है दैट इज डीसी वायर्स। डीसी वायर्स आपने 99.9% प्योर कॉपर की लेनी है। प्योर कॉपर वायर अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको शाहआलम मार्केट से मिल जाएंगी, और बिलालगंज जो मार्केट है वहां से आपको यूज कॉपर वायर्स ही मिल जाएंगी। डीसी वायर्स जो यूज होती हैं, ये वो वायर्स होती हैं जो गाड़ियों के अंदर यूज होती हैं, ट्रकों के अंदर यूज होती हैं, बसों के अंदर यूज होती हैं, और यूज्ड आपको अमेरिका से, कनाडा से, चाइना से, वहां से मिल जाएंगी, और आपको बहुत सस्ते रेट्स के ऊपर बिलालगंज लाहौर से, या कराची में शेरशाह की जो कबाड़ी मार्केट है ना वहां से मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर वायर्स के साथ आपको ब्रेकर्स भी लगाने पड़ते हैं, डीसी ब्रेकर्स होते हैं जो कि सोलर के लिए स्पेशल मतलब सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो आपने लगाने हैं। ये सारा कुछ करके आपका तकरीबन ये सिस्टम 98,000 रुपीज में बनेगा, और ये सारी चीजें आपने अगर लगवाना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं, कितना आपका बजट है, और कौन सा सिस्टम आपने लगवाना है, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, 7 kW या 10 kW। बस मेरा ये मैसेज है इस वीडियो के दौरान के हम लोग क्या करते हैं, रमजान का महीना आने वाला है और हम अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी लाजमी करना होता है, सूरह तौबा अगर आप पढ़ेंगे ना तो बख्शिश उन लोगों की होती है जो वापस पलट जाते हैं। तौबा का मतलब होता है वापस पलट जाना। आपको अपने जो भी आपने गुनाह किए हैं उससे आप तौबा करने का मतलब है कि आइंदा से आप तौबा करते हैं अल्लाह से, कि माफी मांगते हैं कि आइंदा से आप वो गुनाह नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी से रिश्वत ली है, किसी से सूद खाया है, किसी बहनों का हक आपने अपने पास दबा के रखा हुआ है, अपने वालिद की डेथ के बाद अपने बहनों का हक अगर नहीं दिया, तो वो ना सिर्फ ये कि उनका हक उनको अदा करें, बल्कि अगर उसको आपने रेंट पे दिया हुआ था या खुद यूज कर रहे थे तो उसका जो रेंट है वो भी आप उसको पे करें, उससे माफी भी मांगें। ये सारा कुछ करेंगे तो देन आपको माफी मिलेगी, अदरवाइज
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यानी कि नमाज पढ़ के दुआ करेंगे तो सिर्फ ऐसे दुआ माफी नहीं मंगी मिलेगी, बल्कि आपको लोगों के हकूक भी पूरे करने पड़ेंगे, लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती की है उसका भी सवाब आपको देना पड़ेगा। वो क्लियर करेंगे तो फिर क्यामत वाले दिन आपकी माफी होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।